अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर हेयर फ्रॉम होम अटायर। और आज की वीडियो में हमारे पास जो और मज़ीद गैजेट्स आए हैं हाउस होल्ड से रिलेटेड, आपको वो दिखाएंगे। बहुत सारे न्यू गैजेट्स भी आए हैं हमारे पास और ये देख सकते हैं काफ़ी सारी वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। कोशिश करेंगे आपको जितनी भी वैरायटी है दिखाने की बेसिकली। तो इस वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा और आपको बहुत सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास नई बटर डिशेस भी आई हैं, आपको वो दिखाएंगे। और मग्स का बहुत सारा नया कलेक्शन आया है, आपको ये सब इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बटर डिशेस से स्टार्ट करूँगा। ये देख सकते हैं हमारे पास नई जो है वो बटर डिशेस आई हैं, एक्रेलिक के अंदर भी हैं और वुडन के अंदर भी हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो इसके डिज़ाइंस हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन है इसका। क्रिस्टल एक्रेलिक के अंदर आए हैं बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। पोटैटो चिपर जो है वो भी हमारे पास दोबारा आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और आजकल जो है ये फ्रूट प्रेस भी जो है वो काफ़ी चल रहा है। ये एलुमिनियम वाला है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ऑरेंज वगैरह और डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनका जूस वगैरह निकाल सकता है ये। ईज़िली मैनुअली ऑपरेट होता है ये, आजकल बहुत जो है वो ऑनलाइन चल रहा है ये। तो ये भी हमारे पास जो है अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो ड्राई फ्रूट से रिलेटेड अगर मैं आपको ट्रेस दिखाऊं पहले, क्योंकि सर्दियों की जो चीज़ें हैं जो आजकल इन है आपको वो दिखाऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों पे जाएंगे बेसिकली। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी खूबसूरत जो है वो ये डिश है, बटर डिश सॉरी ड्राई फ्रूट की ट्रे है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। और ये एक और इसकी ड्राई फ्रूट की ट्रे बहुत खूबसूरत सी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्पाइस रैक्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट जार्स वगैरह का सेट जो होता है, स्पाइस रैक जार का सेट जो होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो पूरा नाइफ सेट भी मौजूद होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो मास्टर चॉपर भी अवेलेबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैनुअली मास्टर चॉपर जो होता है वो अवेलेबल है। स्पीडी चॉपर भी हमारे पास अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मास्टर चॉपर है इसके अंदर आप जो है वो सैलेड वगैरह को जो है वो स्पिन कर सकते हैं, मतलब मिक्स वगैरह कर सकते हैं ऑलिव ऑयल डाल के। सिमिलरली आप जो है वो किसी भी चीज़ को चॉप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, एग को आप बीट कर सकते हैं। तो ये मास्टर चॉपर है, इसमें बहुत अच्छे फंक्शन हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है स्मार्ट ग्रेटर भी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्लेड्स दिए हुए हैं जिस तरीके से चाहे आप वेजिटेबल को कट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नाइसर डाइसर भी मौजूद है, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो है वो कटिंग के आपको ब्लेड्स दिए हुए हैं, आप इजीली जो है वो कट कर सकते हैं। बहुत शार्प ब्लेड्स होते हैं, इसके क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट जार्स वगैरह की कैटेगरी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये सारे जार्स हैं, एक्रेलिक के जार्स हैं सारे, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये सब इम्पोर्टेड है कलेक्शन सारा, ठीक है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बॉटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठंडा गर्म दोनों में रखने के लिए होती हैं। थर्मोसेस होते हैं, सर्दी में काम आते हैं थर्मोस ज़्यादा, और ये कुछ ऑयल की बॉटल्स हैं, ठीक है, और वाटर बॉटल्स हैं नॉर्मल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे सॉसेस की जो है वो बॉटल्स की पूरी वैरायटी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और लेमन सॉरी ऑरेंज का जो स्क्वीज़र आता है मैनुअली, ये आपको हमारे पास अवेलेबल मिल, इसमें आप ऑरेंज वगैरह का जूस जो है वो मैनुअली निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हाफ कट करके इसके ऊपर आप रख के स्क्वीज़ करेंगे तो सारा जूस जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर जो नाइफ्स होती हैं बहुत अच्छी अच्छी ओरिजिनल थाईलैंड की हमारे पास नाइफ अवेलेबल है, जर्मनी की हमारे पास फिक्सविल की नाइफ भी अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल जर्मनी की है ये फिक्सविल की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्रेलिक के कोस्टर सेट भी अवेलेबल है, वुडन के अंदर भी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और प्लास्टिक के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको और मज़ीद जो चीज़ें दिखाऊं, कटलरी के बॉक्सेस वगैरह हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ये कटलरी के अंदर भी जो है वो यूज़ हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी और ये रिमोट वगैरह रखने के लिए भी जो है आपको कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र है, मल्टीपर्पज़ रहता है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमारे पास जो है अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक में भी है, वुडन में भी है, स्टील में भी है, ये आप देख सकते हैं, आयरन में भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक्रेलिक के अंदर भी हमारे पास ये अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये कॉस्मेटिक के सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, लिपस्टिक होल्डर वगैरह हो गया, ब्रशेस का आपके पास ऑर्गेनाइज़र हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट शीशे के जार्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी परचेज़ करना हो तो हमारे स्टोर पे आके परचेज़ कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा जो स्टोर है उसका लिंक है। हमारा स्टोर जो है वो कराची में है और इट इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हाउस होल्ड स्टोर बेस्ड इन कराची, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें जो स्टेशनरी रखने के लिए स्पेशली ये ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद है, ठीक है ना, होल्डर भी मौजूद है, इसमें आप अपनी स्टेशनरी वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए है
या आपके जो यू नो घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनकी जो स्टेशनरी गुम हो जाती है उसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर की बहुत अच्छी वैरायटी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो है वो सॉल्ट एंड पेपर से रिलेटेड बहुत यू नो वास्ट वैरायटी अवेलेबल है, प्लास्टिक में भी है, एक्रेलिक में भी है, स्टील में भी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हमारे पास कलेक्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारे पास अभी गैजेट, अच्छा जो मग से रिलेटेड वीडियो है ये मैं तफसील से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये सारे मग और ग्लासेस वगैरह को कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मतलब नई वैरायटी आई है, जैसे आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ और इसकी पूरी अलग से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई भी है और उसके अंदर और मज़ीद जो डिज़ाइन आए हैं नए कलेक्शन वो मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के साथ ही जो है वो दूसरी वीडियो बना दूंगा ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है ना, उसमें आपको तफसील से सारा कलेक्शन दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास गैजेट है उस पर आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास जो है वो डिफरेंट गैजेट्स अवेलेबल हैं। ये हमारे पास जो है वो फ्लेम लाइटर है और उसके बाद जो है वो हमारे पास यू नो गैस लाइटर भी अवेलेबल है और यू नो स्पार्क लाइटर भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। वॉलनट कटर आपको हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पॉट होल्डर्स होते हैं डिफरेंट, ये आपको हमारे पास मिल जाएंगे। नाइफ शार्पनर है, टिन कटर है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे जो है हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट यू नो ग्रेटर हैं, ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, 3-in-1 मल्टीपर्पस, ये आप देख सकते हैं स्मार्ट ग्रेटर। ठीक है, और इसके अलावा आइसक्रीम के स्कूप हैं और यू नो बहुत सारे यू नो हमारे पास सिलिकॉन से रिलेटेड स्पैचुलाज और यू नो ऑयल ब्रशेस, इन सब की पूरी रेंज अवेलेबल है। बीटर ये सिलिकॉन के मटेरियल में यू नो पलटे वगैरह और ये सब तलने के लिए यू नो सारी स्पून की रेंज अवेलेबल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये बड़ा अच्छा आया है बच्चों के लिए। ठीक है, ये देखिए बच्चे क्या करते हैं, यू नो वॉकर में होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट दराजे वगैरह खोल लेते हैं, ये यू नो सामान होता है उसको खींच लेते हैं, तो ये बेल्ट है ईज़िली जो है आप लगा सकते हैं और वो लॉक हो जाएगा आपका। बेल्ट कितना होता है, आपकी जो दराज होती है उसको जो है वो लॉक कर देता है ये, तो आपके बच्चे जो है वो फिर इन चीज़ों के से जो है वो दूर रहेंगे। ठीक है ना, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यू नो ये चीज़ के ग्रेटर भी आए हैं और ये हमारे पास पिज़्ज़ा कटर है, डिफरेंट यू नो सीजर्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत और शार्प ब्लेड्स वाली। ठीक है ना, ये वाली जो है वो क्लोथिंग के लिए हैं और ये वाली जो है वो किचन वगैरह के लिए है। ठीक है ना, यूज़ करने के लिए मेजरिंग कप्स स्पून की पूरी वैरायटी अवेलेबल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ में है। ट्री वाला की होल्डर दोबारा आ गया है, ये आप देख सकते हैं, ये ख़त्म हो गया था। अच्छा, स्टेक का जो है वो मीट हैमर, ये आप देख सकते हैं स्टेक के लिए, पसंदों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ पैक्स अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, जो चुटकियाँ होती हैं, क्लिप्स होते हैं। ठीक है ना, कपड़ों को सुखाने के लिए बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी क्वालिटी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना, स्टील में भी है, वुडन के अंदर भी है और प्लास्टिक के अंदर भी बहुत सारी यू नो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यू नो ये माइक्रोफाइबर से रिलेटेड डस्टर्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी माइक्रोफाइबर का है और ये वाला भी जो है वो माइक्रोफाइबर का है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बड़े वाले भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने जो लटके हुए हैं, बेसिकली बहुत सारे जो हमारे पास माइक्रोफाइबर से रिलेटेड भी क्लीनिंग का सारा सामान अवेलेबल होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एग कटर वगैरह अवेलेबल है, कॉफ़ी बीटर अवेलेबल है, केक डेकोरेटर अवेलेबल है, कुकी कटर्स अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख भी सकते हैं, डोनट कटर अवेलेबल है, पीलर अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास जो है वो मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है वो विस्क अवेलेबल होते हैं, बीटर अवेलेबल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, कई तरह के अवेलेबल हैं, मैशर अवेलेबल होते हैं, सिमरिंग वगैरह अवेलेबल होते हैं। अभी तो एक ही पीस रह गया, बाकी ये पूरा लगा होता है, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया सिमरिंग, बट ये लास्ट पीस रह गया, इंशाल्लाह दोबारा जो है वो आ जाएगा स्टॉक, तो नेक्स्ट वीडियो में जब आ जाएगा तो आपको फिर दिखा देंगे। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये टी के स्ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये फ्रायर्स वगैरह अवेलेबल हैं और सॉरी ये जो हमारे पास मेलामाइन के स्पून का पूरा सेट होता है 5-6 पीस का, ये आप देख सकते हैं 6 पीस का है ये, बेसिकली ये आपको हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो चॉप स्टिक्स होती हैं, ठीक है, और शार्सलिक स्टिक्स होती हैं और डस्ट पेन वगैरह होता है, हीट पैड होता है, सिलिकॉन की पूरी यू नो सॉरी नॉन स्टिक की पूरी हमारे पास रेंज होती है, स्पून के अंदर भी यू नो टोंग है, स्पून है, फ्रायर है और कुकिंग का स्पून है और फ्राइंग का स्पून है। ठीक है ना, और बाकी पूरी हमारे पास देख सकते हैं आप, ये सारी जो है हमारे पास सारा कलेक्शन अवेलेबल है नॉन स्टिक का। ठीक है ना, हमारे पास फ्राइंग पैन्स हैं, डीप फ्राइंग पैन्स हैं, तवे हैं, हॉट प्लेट्स हैं, ग्रिल पैन्स हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सॉस पैन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कढ़ाई, सॉस पैन, यू नो कुकिंग पॉट्स, ये सब नॉन स्टिक के आइटम हमारे पास सब अवेलेबल होती है, ये आप देख सकते हैं सॉस पैन के अंदर ये सारी जो है यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, नॉन स्टिक के अंदर
तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से जो है उसको ब्रीफ करने के लिए मैंने जितना भी कलेक्शन दिखाया आपको, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और मज़ीद जो प्रोडक्ट्स रह गए हैं कवर करना, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे पास जो और मज़ीद हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट रह गए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे हमारे पास यू नो मोर देन 5000 हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, नया कलेक्शन भी आता रहता है तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।